नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह। स्वागत है आपका डिजिटल टैग यूट्यूब चैनल में। ये एडोब फोटोशॉप सीसी 2015 का वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लैसो टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एडोब फोटोशॉप ऑन कर लिया है और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से एक फाइल लेके रखी है, जिस फाइल के ऊपर हम काम करेंगे लेसो टूल की मदद से, और जानेंगे लेसो टूल हमारा कैसे काम करता है। तो लेसो टूल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे मिलते हैं लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये तीनों टूल कैसे काम करते हैं और इसके कुछ ऊपर ऑप्शंस हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू सिलेक्शन, एड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट, फीदर, एंटी एलियास और रिफाइन एज, कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके मर्की टूल के ऑप्शंस से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते नहीं, 100% एक जैसे ही हैं, क्योंकि क्योंकि जो मर्की टूल का काम है वो भी सिलेक्शन करना ही है, और जो लेसर टूल है उसका भी काम सिलेक्शन करना ही है। यानी कि सिलेक्शन आपको करना है किसी फोटो का, तो आप किसी भी टूल की मदद से कर सकते हो। अगर आपको ये सिलेक्शन टूल हैं, जो 6 टूल हैं, जो पहले 6 टूल, ये इन्हें सिलेक्शन टूल बोलते हैं, अगर आपको ये 6 टूल आपको यूज़ करने आते हैं, तो वो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है कि आप किस फोटो को किस टूल से आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पेन टूल की मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर पेन टूल की मदद से सेलेक्ट करता हूँ किसी भी फोटो को, और फिर उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। बट अभी हम लेसर टूल के बारे में जानेंगे कि लेसर टूल हमारा कैसे वर्क करता है फोटो के ऊपर। तो लेसर टूल में आपका पहला ऑप्शंस है, पहला जो टूल है वो लेसर टूल है, और मैं आपको बता दूं कि जो पहला टूल है लेसर टूल, ये हमारा फ्री हैंड है। इसे आप जहाँ भी और जितना भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, फ्री हैंड है, एज ए पेंसिल की तरह। पेंसिल जैसे हम जहाँ भी पेज के ऊपर किताब के पेंसिल आते हैं, ऐसे इसको आप चला सकते हो। इसमें क्या है, आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और जिधर ले जाओगे उधर ये सिलेक्शन करता जाएगा। आपको यहाँ पर आपको सेलेक्टिव पॉइंट नहीं मिलते हैं, और जैसे आप छोड़ोगे तो ये सिलेक्शन ऑटो में कर लेगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसा कि मैं इस फूल का एक सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ये, और ये मैं राउंड सर्कल कर लिया, और ये राउंड सर्कल मैं कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं यहीं पर छोड़ता हूँ तो ये ऑटो में सिलेक्शन कर लेता है, यानी कि पहला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट को ये ऑटो में मिला देता है। तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन पे आपको क्या काम करना है वो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी के ऊपर है। यानी कि मेरा काम है आपको टूल कैसे काम करता है, और टूल का काम आपको कहाँ पर और किस फूल पर करना है वो आपका हेडक है। तो यहाँ पर ये जो लेसर टूल है, ये फ्री हैंड है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक ए पेंसिल। और इसका ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जो कटिंग करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, वो ऐसे कटिंग करते हैं जहाँ पर ये टूल बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए। अब नेक्स्ट टूल है हमारा पॉलीगोनल लेसर टूल। बट पॉलीगोनल लेसर टूल बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा मैं कि जो ऊपर है, जो न्यू सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन से क्या, जैसे कि न्यू सिलेक्शन मेरा अगर चेक है, अगर यहाँ पर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो जो मैं पुराना सिलेक्शन है वो मेरा चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको जो मर्की टूल के जो ऑप्शंस हैं, वीडियोस बताया, मैं बताया मैंने कि जो ऑप्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, बट आपको मैं जो लेसर टूल है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। यहाँ पर न्यू सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन में क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे मैं दूसरा सिलेक्शन करता हूँ तो मेरा पिछला वाला सिलेक्शन मेरा चला जाता है। और जो ऐड टू सिलेक्शन है, ये क्या करेगा कि आपके पुराने सिलेक्शन में और दूसरा सिलेक्शन ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जो माउस कर्जर आ रहा है, इस पर आपको प्लस का चिन्ह नज़र आ रहा है, इसका मतलब आप ऐड करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कुछ ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पुराने सिलेक्शन में न्यू सिलेक्शन मेरा ऐड हो जाएगा। ओके, ये पुराने सिलेक्शन मेरा न्यू सिलेक्शन ऐड हो जाएगा, ये इसका काम है ये। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट, यानी घटाना या कम करना। मैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या कम करेगा, जितना एरिया सिलेक्शन करूँगा और उसके अंदर जो पुराना सिलेक्शन आ रहा होगा वो उसको वो कम कर देगा। मैंने इतना एरिया कर दिया तो इसे काट देगा, ये कट गया, ये मैं इतना सिलेक्शन कर देता हूँ, ये काट दिया इसने, ये इसे कर देता हूँ मैं, ये इसने इतना काट दिया है। यानी कि ये इसका काम है काटने का, यानी कि कम करने का। अब नेक्स्ट आता हमारा ये इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन, यानी देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दो सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं, मुझे इनमें से कुछ कॉमन रखना है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ
ये तो खैर मैनेज करेगा। मैं इस पर एक बार नया सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा सिलेक्शन करता हूँ, ये तो आप देख सकते हो जो चारों सिलेक्शन है, चार कॉर्नर पे इनका आधा आधा पार्ट या कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, इंटरसेक्ट वाले सिलेक्शन के अंदर आ रहा है। यानी कि इसके अंदर जो आ रहा है वो रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। मैं छोड़ देता हूँ, जो इसके अंदर था वो रह गया, बाकी सारा डिलीट हो गया। तो ये इन चार ऑप्शंस का काम है। फीदर, एंटी एलियास मैंने आपको मर्की टूल वाले वीडियो के अंदर बता दिया है, और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन्हें छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल में क्या, पॉलीगोनल जो लेसर टूल है ये क्या करता है, ये आपका फ्री हैंड नहीं है। जैसा कि आप, मैं बताया था लेसर टूल, वो लेसर टूल है वो फ्री हैंड है, बट ये ये पॉलीगोनल लेसर टूल है ये। तो यहाँ पर क्या, ये पॉइंट से पॉइंट को जोड़ता है। यानी कि मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट बनाता हूँ, और फिर ये एक पॉइंट बन गया, और फिर दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है। मैं क्लिक करता हूँ, ये इतना सिलेक्शन हो गया, और फिर यहाँ से दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा तो वहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन होगी इसकी। मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट को जोड़ता है, यानी एक पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट को उससे नेक्स्ट पॉइंट से जोड़ता है, तो उस हिसाब से बनाता है। तो इस टूल का यूज़ करते हैं लगभग जैसे ऐसे फोटोज़ की हम कटिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जिसमें आपको कॉर्नर्स या कोने ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या ऊट पटांग, हमारे ऊट पटांग जैसे जो फोटोज़ रहते हैं उनकी कटिंग करने के लिए अच्छा रहता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप फोटो की कटिंग करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो फोटो को आप जूम कर लीजिए। जूम करने से आपका सिलेक्शन अच्छा होता है। जैसे कि ये हो गया, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के ऊपर जैसे टच करूँगा तो मुझे एक सर्कल नज़र आएगा, जो माउस कर्जर है उसके नीचे। अगर आपको जो कर्जर ये नहीं आ रहा है, आपका जो मान लो कंजस्टेड, आपका एकदम बहुत ख़तरनाक आपका फ़ोटो है, उसमें आपको ये एक पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट नहीं मिल पा रहा, लास्ट पॉइंट, तो आप क्या कीजिए, उसके पास ले जाके आप इसे डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये जूम कर लिया, तो जूम करने से क्या होगा, आपकी जो कटिंग है वो मस्त आएगी आपकी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जूम करके आप हमेशा कटिंग कीजिए या सिलेक्शन कीजिए। तो अभी इसके बाद ये मेरा पॉलीगोनल लेसर टूल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक लेसर टूल। तो मैग्नेटिक लेसर टूल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिक यानी चुंबक, ये चिपकने वाला है। जहाँ भी हम सिलेक्शन करेंगे तो इसका सिलेक्शन लाइन है, इसकी जो सिलेक्शन पॉइंट है, इसके चिपकते जाएंगे। कहाँ चिपकते हैं, जहाँ पर इसको कलर डिफरेंस नज़र आता है। जैसे कि बाहर आप देखोगे ग्रीन कलर है, और फूल जो फ्लावर है, इन दोनों के बीच में जो कलर डिफरेंस है, जो जो फ्लावर का जो बॉर्डर है, यहाँ पर चिपकता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी इसको कलर डिफरेंस नज़र आएगा ये वहीं पर चिपकता ये जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ ये, तो आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन पॉइंट हैं ये आपको दूर दूर नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर आपको नज़दीक नज़दीक चाहिए पॉइंट जो बनने, सिलेक्शन पॉइंट ये, अगर आपको दूर दूर चाहिए आपको, तो आपको करना क्या होगा, आपको जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे आप इसे 100% कर दीजिए। ये 100% कर दिया, और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि जब भी आप मैग्नेटिक लेसर टूल का यूज़ करते हो तो विड्थ, कंट्रास्ट एंड फ्रिक्वेंसी को 100% रखिए, क्योंकि आप इन्हें 100% नहीं रखोगे तो सिलेक्शन आपका अच्छे से नहीं होगा। जो मैग्नेटिक जो पावर रहती है चिपकने की, एकदम एग्जैक्ट आप बॉर्डर पर दो कलरों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, बॉर्डर रहता है, वहाँ पर वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आप 100% रखोगे इन तीनों को, तो वो अच्छे से चिपकेगा, एकदम एग्जैक्ट कलर डिफरेंस पे ही जाके चिपकेगा। यानी कि मैग्नेटिक जो लेसर टूल है, नाम से पता चल रहा है, तो आप इन्हें 100% रखिए। बाकी जो ऊपर ऑप्शंस हैं, जो सॉरी ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, फीदर, एंडेलियास, जो भी है, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिए हैं, और इस वीडियो में मैंने पहले बता चुका हूँ, बाकी इनके ऊपर हम बात नहीं करने वाले। जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो हम एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो जब 100% कर दिया है तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो इसके सिलेक्शन पॉइंट है वो आपको नज़दीक नज़दीक देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसका सिलेक्शन अच्छे से कर देता हूँ, और जहाँ भी सिलेक्शन कर रहे हो और आपको लगता है कि ये सिलेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप अपने माउस से क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैं बीच बीच में कर रहा हूँ। जहाँ पर अगर इसके सिलेक्शन पॉइंट नहीं बन रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए, तो वहाँ पर आप इसका क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर भी सिलेक्शन पॉइंट बना सकते हो। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे स्क्वायर हैं ये इसके सिलेक्शन पॉइंट है, और जहाँ सिलेक्शन पॉइंट नहीं बनते तो अपने माउस से बना दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा है जो टूल है सिलेक्शन करने के लिए, वहाँ पर जहाँ पर आपको
दो कलरों के बीच में डिफरेंस अच्छा नज़र आता है। डबल क्लिक कर दीजिए या फिर पहले पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला दीजिए। जब सिलेक्शन हो गया है, अब इसके बाद सिलेक्शन बन कर लिया। आई थिंक आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन टूल सॉरी सिलेक्शन करने के बाद हम किसी चीज़ के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा जो काम है यहाँ पे जो सिलेक्शन करना है, और इसके बाद मैं बताऊँगा आपको मैं रिफाइनेज, क्योंकि रिफाइनेज मैंने पिछले वीडियो में इतना अच्छा नहीं बताया था, बट से मैं आपको अच्छा बताने वाला हूँ। जो रिफाइनेज है वो आपका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे कि मैंने जो सिलेक्शन कर लिया वो बचेगा, बाकी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये ज़्यादातर यूज होता है जहाँ अगर किसी लड़की या किसी एक्ट्रेस या किसी के बालों के ऊपर, स्पेशली ये बाल सिलेक्शन करने के काम में बहुत अच्छा यूज होता है। तो मैं रिफाइनेज पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आएगा, और यहाँ पर आपको जो व्यू है वो दिखेगा। आप किस में व्यू देखना चाहते हो, ओके, वो आपका सोच है, क्रिएटिविटी है। मैं हमेशा ओवरले रखता हूँ, तो ओवरले पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद स्मार्ट रेडियस पे क्लिक कीजिए। आप कितना रेडियस देना चाहते हो, स्मूथ कितना देना चाहते हो, फीलर, कंट्रास्ट और शिफ्ट एज, वो यहाँ पर आप एक एक बार करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इनको आगे पीछे करके आप देख सकते हो। और यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट में मुझे क्या है, आउटपुट पे क्लिक करूँगा तो मुझे न्यू लेयर विद लेयर मास्क, मैं लेयर मास्क के साथ ही मैं इसका आउटपुट चाहता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद अगर आपका कुछ एरिया रह गया है, जैसा कि इसका जो यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं बालों के सिलेक्शन के लिए, किसी लड़की के जो बाल रहते हैं बिखरे हुए रहते हैं, हमको वो भी चाहिए, बाकी उनके जो बीच का जो सिलेक्शन है वो हमको गायब चाहिए। हो सकता है मैं आपको कुछ आने वाले वीडियोज़ में उनका भी यूज़ बता दूँ कि रिफाइनेज का हम बालों का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमें दो चीज़ मिलती हैं, एक इरेजर और एक मिलता है रिफाइंड रेडियस टूल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ मुझे एक ब्रश टाइप का कुछ मिलता है, मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और इसके जहाँ भी जो एरिया हमारा रह जाता है हम उस पर यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं। इससे क्या है कि आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है सिलेक्शन करने के लिए। तो अभी मैं ये यहाँ पे कर लिया ये, इसके बाद ये हो गया। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ, इन दोनों पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये जो प्रीव्यू है, इस तरह से कुछ देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ये मैं सो ओरिजिनल हो गया और ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू लेयर आएगी विद मास्क, और बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब ये सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे आप कोई भी लेयर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं इसे शो करता हूँ, न्यू लेयर एडिट में जाता हूँ, फिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, कोई कलर भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का कलर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मोड से देखने को मिलते हैं, ऑपोसिटी चेंज कर सकते हो, और ओके क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये तो सिर्फ मेरा एग्जाम्पल है, बाकी आपको सिलेक्शन करने के बाद करना क्या है वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपके दिमाग में क्या क्रिएटिविटी चल रही है। जिसकी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होती है ब्रेन की, वो उतना अच्छा काम कर पाता है और टूलों का यूज कर पाता है। तो जितने भी सिलेक्शन टूल हैं, ये सिलेक्शन टूल हर एक फोटो के ऊपर हर एक सिलेक्शन टूल काम नहीं कर सकता। हमें वो तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फोटो के ऊपर कौन सा सिलेक्शन टूल हमारा यूज अच्छे से आता है। जो ज़्यादातर मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ पेन टूल। हो सकता है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में इसका पूरा यूज़ होता हूँ, और जो मेरा पुराने वीडियोज़ हैं एडोब फोटोशॉप 7.0 के, उनमें आपको मैंने पेन टूल बता दिया है। बट इसमें मैं दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एडोब फोटोशॉप 7.0, उसमें आपको फीचर्स एंड ऑप्शंस कम मिलते हैं, और जो सीसी 2015 है इसमें आपको फीचर्स, ऑप्शंस एंड टूल्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मूव टूल में आपको मिल जाता है आर्टबोर्ड टूल, जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और यहाँ पर जो मैजिक वैन टूल है, इसमें आपको क्विक सिलेक्शन टूल आपको लेटेस्ट मिलता है, जो कि आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 में नहीं मिलता है। इसीलिए से इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, और इसमें आपको क्या, मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा भी हो गया है, तो हो सकता है कि मैं आपको बेटर समझा सकूँ पहले की अपेक्षा। तो आई थिंक आपको जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो समझ में आ गया होगा, इसका हम यूज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हो फर्दर्स वीडियोस देखने के लिए और उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो डिजिटल टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ साथ में दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।